नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में प्रदर्शन कर रही मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन 10वें दिन भी जारी रहा। इस बीच गंगा की रेती पर कल उपवास करने आए कुछ साधु संतों ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर ना सिर्फ CAA के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का अपना समर्थन देने की घोषणा की, बल्कि मंसूर अली पार्क में यज्ञ और हवन करके सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना भी की। सर्व समाज की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में सभी धर्मों के लोगों ने प्रदर्शन में अपनी हिस्सेदारी निभाकर जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं ये ऐलान भी किया कि वह मुस्लिम महिलाओं द्वारा CAA के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में हर तरह का सहयोग प्रदान करेंगे। यज्ञ हवन करने का यह उद्देश्य था कि हमारे सरकार के प्रति अपना संदेश पहुंचाना, कि सरकार जो है जो कानून ले आई है और तरह तरह के सलूफे छोड़े जा रहे हैं, इस पर हम विरोध करते हैं और हम मुस्लिम भाइयों के साथ हैं, इनको पटने नहीं देंगे, इसलिए विरोध है हमारा। सरकार इस पर विचार करे, इस कानून को जो है सत्य सत्य ले आवे। आधार कार्ड कहती है कि नहीं मानेंगे, ये कहती है कोई कहता कुछ नहीं मानेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई भी हमारे हैं, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। तो आप क्या किए आज? हमने शांति के लिए हवन किया है कि सरकार को नींद जागे और इस पर कानून पर विचार करे कि क्या गलत है क्या सही है, पुनर्विचार करके कानून को ले आवे, हम लोगों को रिलीफ करे, स्वस्थ करे कि आप लोगों के साथ कोई ऐसा गलत कार्य नहीं होगा, हम ऐसे नहीं मान सकते। साधु संतों का आरोप था कि सरकार निहित स्वार्थ के चलते CAA जैसे कानून बना रही है, ये देश सभी धर्मों के लोगों के लिए बना है। साधु संतों ने कहा कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे आंदोलन की राह पर हैं। ये प्रोटेस्ट 12 जनवरी को शुरू हुआ था दोपहर 2:30 बजे से और आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट के। इसकी बस एक यही डिमांड है कि हमारे संविधान के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए और ये NRC CAA जो है इसको रद्द करिए, क्योंकि ये हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है। हवन करने के पीछे क्या मकसद है? हवन करने के पीछे एक मकसद ये है क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है इस प्रोटेस्ट को, तो हम वही दिखाना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर जुमा की नमाज़ें पढ़ा सकते हैं तो हम यहाँ पे हवन भी कराएंगे, क्योंकि हम सेक्युलर हैं, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं वो भारतीय हैं, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, इसीलिए आज यहाँ पे हम हवन करा रहे हैं। हवन किस चीज़ का? बुद्धि शुद्धि? ये बुद्धि शुद्धि हवन है सभी की, जिनको आप समझ ही सकते होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत हो चुकी है। जब कान से सुन नहीं रहे, आँख से देख नहीं रहे हैं, तो कम से कम बुद्धि शुद्ध हो जाए। आपको लगता है कि सरकार कभी झुकेगी? इतने दिन से चल रहा प्रोटेस्ट, शाहीनबाग में भी चल रहा, यहाँ भी चल रहा और जगह भी चल रहा है। झुकना ना झुकना वो सब बात की बात है, सुने तो सुन भी तो नहीं रहे हैं, वो तो कान बंद करके बैठ चुके हैं।